बॉम्बे के सबसे पुराने एरिया में हूँ, फोर्ट में। देखिए ये बिल्डिंग भी 1881 में बनी है और मैं यहाँ आया हूँ एक बहुत ही पुराने रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। शायद बॉम्बे का पहला रेस्टोरेंट। आप सोचो कितने साल पुराना है ये, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, नहीं 170 साल पुराना रेस्टोरेंट है ये। तो चलो चलते हैं पंचम पूरी वाले के पास और खाते हैं वहाँ पूरी, आलू और भोपले की भाजी। पूछते हैं खाने में क्या है। पंचम पुरी वाला 170 साल का है लेकिन जो हमारे साथ आज है शिवांग, शिवांग इज द यंगर जनरेशन, ये काफी जवान है, सिक्स्थ जनरेशन शिवांग। हाँ सर, सिक्स्थ जनरेशन। सिक्स्थ जनरेशन। तो पंचम पुरी वाला स्टार्ट किसने किया? मैं परदादा के दादा ने, उनका नाम पंचम शर्मा था तो उनके नाम से ही ये शुरू हुआ और उनने ये शुरू किया था 1848 में। 1848 परदादा के दादा या दादा के परदादा, इतना पुराना रेस्टोरेंट है। और जब शुरू किया? हाँ सर। तो किस, कौन से डिशेस से शुरू किया? सादी पूरी थी। हाँ? और मसाला की पूरी। हाँ? हमारे विलेज साइड में उसको बेड़े ही बोलते हैं। हाँ? वो आलू भाजी एंड और पंपकिन का भाजी, छोटा स्टॉल था जब वीटी स्टेशन भी नहीं था। तो मैं आपको बताऊँ, ये जो पंचम पुरी वाला है वो वीटी स्टेशन यानी सीएसटी स्टेशन, बम्बई के सीएसटी स्टेशन के बिल्कुल सामने है। शर्मा जी ने ये स्टॉल तब शुरू किया जब वीटी स्टेशन भी नहीं बना था। हाँ सर। तो यू आर ओल्डर देन वीटी स्टेशन। तो अभी भी वो जो डिशेस है वो अभी तक मेन्यू पर है? वो है ना, दैट इज वो बैकबोन है हमारे रेस्टोरेंट का। क्योंकि आज की तारीख में भी सबसे ज्यादा सेलिंग आइटम हमारी आलू भाजी और पूरी ही है। पूरी ही है। और आप भी ये चलाओगे? हाँ हाँ, दो तीन जनरेशन एटलीस्ट। यस। तो थैंक यू शिवांग, जाते हैं। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। जाते हैं और देखते हैं खाने में क्या है अंदर। चलो खाने के लिए बैठता हूँ ना तो ऐसे शाही स्टाइल में ही बैठता हूँ। देखिए मेरे सामने कितना खाना है आज। हाँ, यहाँ पंचम पूरी वाले के पास अलग अलग किस्म की थालियाँ मिलती हैं। ये पंचम कुनाल थाली है। यहाँ पूरियाँ हैं, अलग अलग किस्म की पूरियाँ हैं। जैसे ये बीटरूट पूरी है, ये मसाला पूरी है, इसमें पालक पूरी है, इसमें नॉर्मल पूरी है, इसमें पनीर पूरी है, और भी पूरियाँ हैं, मदन पूरी, सेव पूरी और ओम पूरी नहीं है। लेकिन खाने से पहले शायरी हो जाए तो अर्ज किया है, तब तक रहेगी बात अधूरी जब तक ना हो आलू और पूरी। क्यों है? चलो शुरू करते हैं। यह है पालक पूरी, देखते हैं इसके अंदर। देखिए इसके अंदर पालक है। पालक पूरी से के साथ खाते हैं। ये उनके पंपकिन की सब्जी है। ऊपर से कटी हुई हरी मिर्चा डाली है और जो अदरक का स्वाद है इसमें, हरी हरी मिर्ची, हरी मिर्ची, अदरक और ये पालक की पूरी। अभी आलू,
नॉर्मली आलू पूरी जब कहते हैं ना तो सूखी आलू की सब्जी होती है, यहाँ ये ग्रेवी वाली रस वाली आलू की सब्जी है। और इसको मैं खाऊंगा बीटरूट पूरी के साथ। बीटरूट पूरी देखिए, बीटरूट की पूरी है, थोड़ी पिंक है, थोड़ी लाल है। अलग ही स्वाद है। इसमें जीरे का तड़का दिया हुआ है, ऊपर से धनिया और रस वाले आलू। सोचो अभी, सोचो मैं जो खाना खा रहा हूँ अभी, ये दो जो डिशेस है और ये जो पूरियाँ हैं, इनकी रेसिपी 170 साल से यही बन रही है। अब कौन सी पूरी लें? पनीर की पूरी लें? और इसको खाते हैं हम और पनीर के साथ, शाही पनीर के साथ। ये पनीर के टुकड़े नहीं है, ये सब्जी बनाई है और उस पे पनीर डाला है। थोड़ा मीठा है, ग्रेवी इसकी थिक है, टमाटर का स्वाद है, ऊपर से थोड़ा बादाम काजू डाला है और काफी रिच है ये, लेकिन बहुत टेस्टी है। छोले ले, छोले, छोले। छोले के साथ प्लेन पूरी खाते हैं, प्लेन पूरी और छोले। एक सीक्रेट बताऊं आपको, जब मेरे पास मटन नहीं है, चिकन नहीं है, फिश नहीं है, तो सिर्फ बोलो बम बम बोले और खाओ पूरी और छोले। बढ़िया, इट इज ब्यूटिफुल। अब ये खाऊं क्या? चबाओ मिर्ची को, ऑलरेडी क्वाइट तीखा है खाना, ट्राई करते हैं। इतना तीखा नहीं है। हो गया, सब पूरी ट्राई किया मैंने, मसाला पूरी बाकी है मेरे को। बस बातें कम, खाना ज्यादा। दही कड़ी में पकौड़े डालना जिसने भी इन्वेंट किया हो ना, ब्यूटीफुल। थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और पापड़ खाते हैं। ये रोज फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है, रोज फ्लेवर। मजा आ गया। आपको चाहिए था ना पूरा वेजिटेरियन? मैंने पूरा वेजिटेरियन खाना खाया है और बहुत मज़ा भी आया है खाते हुए। तो आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगा, आपको अगर ये खाना अच्छा लगा, तो आते रहिए
खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है। चलो निकलते हैं, निलेश खा रहे हैं। और मैं आपको यहाँ के दो पुराने पुराने लोगों से मिलाता हूँ। ये विजय सर है। विजय आप क्या करते हो? क्या मैं यहाँ का मैनेजमेंट करता हूँ। मैनेजमेंट करते हो? और ये आप ये जब आए थे यहाँ तो 10 साल के थे। आपके पिताजी भी यहाँ थे? हमारे बड़े भाई थे। आपके बड़े भाई भी बड़े थे? भाई थे। मैंने राजेश खन्ना साहब को भी खिलाया खाना। मैंने राजेश खन्ना यहाँ आता था? ये एक बार खिलाया हूँ मैं राजेश खन्ना को। यहाँ खिलाया था साउथर्न पिक्चर की शूटिंग के टाइम में खिलाया था मैंने। साउथर्न पिक्चर के साउथर्न भी आई थी। अभी राजेश खन्ना के बाद मैंने खाया है और नीलेश वहाँ खा रहा है। Thank you.